First of all, let's welcome the leading gynecologist of the town who will elaborate the things for today's session. I am single gynecologist of Sivan Chakra in Gopalganj, who is a member of any committee. So I was given the homework that we have to do some activity on World Contraception Day. तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते हैं कि आप लोगों को दादी मम्मी जो लोग हैं बहुत पहले यूज करती थी वो कपड़ा यूज करती थी. आप लोग सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं तो कपड़ा यूज करती थी, उसको धोती थी, सुखाती थी, चाहे तो डिटॉल से चाहे साबुन से धो के वो ज़्यादा बढ़िया होता था क्योंकि वो सूती कपड़ा होता. जनरली वो लोग साड़ियाँ भी पहले सूती पहनती थी और उसको फाड़ती थी तो उसी को फिर धो के सुखाती थी. हम लोग जो सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं वो बहुत सारा केमिकल उसमें मिला होता है और वो आपके वेजाइना के हाइजीन को बहुत डैमेज करता है. इसलिए आजकल बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, लिगोरिया जितना बढ़ा है तो इसी कारण बढ़ा. जबकि हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डिलीवरी घर पर नहीं कराते. बहुत हुआ तो सरकारी में कराते, तो सरकारी में भी तो डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, वो सब ANM डिग्री धारी. इसके बावजूद इतना लिकोरिया, इतना इन्फेक्शन, इतना दिक्कत, इतना कैंसर क्यों हो रहा है? तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण आपका सैनिटरी नैपकिन का. अगर आप इसको इधर उधर कहीं भी फेंक देते हो, जैसे छुपा के पॉलीथीन में फेंक देते हो, एक तो प्लास्टिक पॉलीथीन वो गलता नहीं, उसके अंदर जो पैड है उसको कभी आपने फाड़ा उसके अंदर भी प्लास्टिक है. इसलिए एक दो लेयर के बाद वो क्या हो जाता है, सिकुड़ने लगता है और वो जो ब्लड है आपका एब्जॉर्ब नहीं करता और वो केमिकल से ये किया होता है. और वो अगर आप छोड़ दें 800 साल तो कभी नहीं गलेगा. आप कभी किसी पैड को किसी जगह पर रख के देखिए, आप जवानी से लेकर बूढ़ी हो जाएंगी वो नहीं गलता है. अब आप कहीं गड्ढे में फेंक दें तो इसलिए आप उसको ये नहीं करते, तो आपको इधर उधर नहीं फेंकना है, उसको डिस्पोज करना है सही जगह पर और वो नगर पालिका का जितना डस्टबिन होता है उसमें डालना है. और आपको प्लास्टिक वाला ये जो है स्टेफ्री या कैफ्री या जो कुछ भी बिल्कुल बाजार वाला हर किसी में प्लास्टिक है. आप आज जाइएगा तो ऐसे ही आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, आप जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं दो तीन ईयर के बाद आपको प्लास्टिक जरूर मिलेगा. तो आपको वो नहीं यूज करना है. तो यूज क्या करें, तो ऑर्गेनिक कुछ भी पैड आ रहा है वो यूज कीजिए. अगर ऑनलाइन मिलता तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों ने भी कुछ अवेलेबल कराया. इधर हाल में मुझे पता चला है, मैंने हाल में अवेलेबल कराया, अदरवाइज मैं खुद भी पूरे अपने पूरे लाइफ टाइम में वही सब यूज की हूँ जो आपने पूछे. तो ये सही नहीं है. आप हम तो सफरर हैं पर आने वाले जनरेशन को हमें बचाना है और आपको अपनी मम्मी दीदी भाभी सबको बचाना है. इसके लिए आप लोग जो जानकारियाँ किताब से पढ़ते हो, जो जानते हो, वो जनरली आप अपना यूज कीजिए अपनी लाइफ में. इसे पढ़ के दिमाग में रख के परीक्षा में उगल के खत्म हो गया, पास कर गए, फर्स्ट डिवीजन आ गया, ये मोटो नहीं है एजुकेशन का. एजुकेशन का मोटो क्या है, खुद भी बेटर स्मार्ट, आपको खुद को इम्प्रूव करना है. और आज का जो युग है बहुत कॉम्पिटिटिव, तो अगर आप बीमार रहते हो तो आप पीछे हो जाते हो. अगर आप एक दिन पढ़ाई नहीं करते, उस दिन क्लास नहीं जाते, आप तीन हो तो उस दिन 5 या 7 घंटे आप मिस करते हो. अगर आप घर में चार कर्णधार हैं देश के, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आपका ही जेनरेशन को एजुकेट किया जाए ताकि आप
जितने लोगों से मिल सको, और आप बहुत साल जियोगे, मैं तो ज़्यादा साल नहीं जीऊँगी, आप लोग जितने साल जियोगे तो आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हो। हम लोगों ने तो बहुत सारा जितना देना कर दिया, और अब कुछ ही साल बचे हुए हैं हमारे, आपके साल बहुत बचे हुए पूरे, तो इसलिए आप ही लोगों को एजुकेट किया जाए, और आप लोगों की आजकल जो बीमारियाँ हुई पीसीओडी में देखिए क्या होता है, लड़कियों को बहुत सारा दाना निकल जाता है चेहरे पे, और वो लोग सोचते हैं कि जवानी का निशानी है, सीबेसियस ग्लैंड से बहुत सारा सीबम निकल रहा है, और ये बहुत सारा एक्ने उसके कारण हुआ है, उसमें डस्ट फंस जाने, लेकिन क्या है कि उसके अलावा आपको थोड़ा सा मूछ हो, थोड़ा दाढ़ी हो, ठीक है, गर्दन पे धारी हो, मासिक कम आए, दो दो महीने तक ना आए, तीन महीने तक ना आए, हमारे पास ऐसे भी मरीज आते हैं जो भी कितने महीने तक नहीं आती, तो जो नहीं आती मतलब छः महीने तक, साल भर तक नहीं आए, साल भर से मासिक नहीं, इतना दिन तक अपने आप को नहीं छुपाना है, घर वालों से बीमारी नहीं छुपानी है, क्योंकि उसके बाद फिर डॉक्टर का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आप कभी माँ नहीं बन पाएंगे, आपका बहुत बीमारी बहुत दूर तक पड़ जाएगा। पीसीओडी के चलते इतना मुश्किल हो रहा है कि अंडा बनने का दवा देने पर भी अंडा नहीं बन रहा है, और इनफर्टिलिटी इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, आजकल हम लोग बहुत शुद्ध खाना नहीं खाते, बहुत फर्टिलाइजर मिला हुआ सब्जी दाल फ्रूट्स, और बैलेंस डाइट भी नहीं खाते, है ना, सवेरे पाव रोटी लेके चल दिए, चलो लेट हो रहा है स्कूल के लिए, 6 बजे इसका ही क्लास है, सवेरे कुछ भी, तो आप लोग को बैलेंस डाइट में हर चीज़ सब्जी फल, कोई भी फल, एक फल मौसमी फल जो सस्ता है, खीरा भी हो सकता है, तरबूज भी हो सकता है, खरबूजा भी हो सकता है, सेब भी हो सकता है, जो सस्ता है, मैं नहीं कह रही कि महंगा खाओ, क्यों खाना है महंगा, आप जब आम का सीजन था आपने पूरा आम खाया, अपने विटामिन ए अर्जित कर लिया, अब आँख का रोशनी आपका ठीक रह गया, अब उसके बाद से ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप पर डे खाओ, अब विटामिन ई ले रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हो, नींबू खाओ, दालचीनी छोड़ दो, नींबू विटामिन सी मिलेगा, चेहरा ग्लो करेगा, विटामिन सी का सीरम लगाने की ज़रूरत क्या है, अगर आपका अंदर से न्यूट्रिशन, ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया है, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।